हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक खुशखबरी लाए हैं, अगर आप लोग सुनेंगे तो जरूर चौंक हो जाएंगे। देखिए, हमारे पास चार मशीन आई है सेकंड हैंड में, इरबा 360 की तीन मशीनें हैं और एक मिनरिक कंपनी की मशीनें हैं, लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा डाउन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर आप लोग को मशीन चाहिए तो जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए या हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत चैट करिए, ठीक ना, ताकि आप लोग को मशीन हम दिलवा सकें। दोस्तों, हम यही कहेंगे कि अगर जिसको लेना है वो लें, जिसको नहीं लेना है वो अच्छी बात है, लेकिन हम समझदारी इसी में है कि न ले तो ठीक है, और जिसको कबाड़े का भाव लेना है वो भी ले सकता है, क्योंकि मशीन हमारे पास अवेलेबल है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए और हमारे व्हाट्सएप पर जल्दी चेक करिए, ताकि सबसे पहले मशीन आप ले सकें, ठीक ना। तो आप लोग को इरबा 360 की मशीन के बारे में कुछ बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इरबा 360 मशीन अगर न्यू मशीन लेंगे तो आपको पड़ेगी 2,55,000 की मशीन पड़ेगी, न्यू मशीन पड़ेगी, ठीक ना। लेकिन इसके साथ तो आपको 2 डायलेंट मिलेगा, 1 लाइज मिलेगा और 2 साल की वारंटी मिलेगी। लेकिन कंपनी देती है 1 साल की वारंटी, लेकिन हम देंगे आपको 2 साल की वारंटी। दोस्तों, 2 साल की वारंटी, क्योंकि देखिए हमारे मेंबर हमारे परिवार हुए तो हम अपने परिवार को 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी देंगे, ठीक ना, मशीन की सर्विस की। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे, देखिए एक सैंपल जब हम टेस्ट लगाते हैं तो इसमें कितना खर्चा आता है और कितना केमिकल आते हैं। देखिए, ये 20 लीटर केमिकल आता है और इसके अंदर लाइज होता है वो 500 ml का होता है, 500 ml का। दोस्तों, जब आप एक CBC सैंपल टेस्ट पिलाते हैं तो 500 ml में से आपका लाइज यूज होता है 1 ml, ठीक ना। और यह 20 लीटर का जो डाइल्यूएंट है, जब एक CBC पिलाएंगे सैंपल का तो आपका होगा यूज 19 ml। दोस्तों, आप लोग को क्या जानकारी मिली, कुछ जानकारी मिली कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो एक चीज़ और बताते रहे आपको, मशीन की इतनी बढ़िया एवरेज है, इतनी बढ़िया एवरेज है कि आप 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में आप 60 सैंपल लगा सकते हैं। इसके पास इतनी कैपेसिटी है दोस्तों, और जो है कि मैं इसकी भी गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप बढ़िया से मशीन को सेविंग करेंगे यानी कि बढ़िया से आप केयर करेंगे मशीन की, तो मशीन आपका 8 साल 10 साल 100% एकदम सिक्योर है, चलेगी, बीच में कहीं डिफॉल्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, क्या क्या करेंगे तो आपकी मशीन चल सकती है, बता रहे हैं, सिंपल जितना पिलाना उतना पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन आपका रूम टेम्परेचर जो होता है वो 18 से 24 होना चाहिए, ताकि आपका मशीन की जो सिस्टम है वो हीट ना होके कूल रहे, ठीक ना। दूसरी बात कि आपके लैब में जहाँ मशीन इंस्टॉलमेंट हुआ है वहाँ पर डस्ट नहीं उड़ना चाहिए या किसी प्रकार का धूल कण नहीं मतलब उड़ना चाहिए, ताकि आपके मशीन के अंदर जो फैन चलते हैं उसमें जो धूल लगते हैं वो उसको फैन को जाम करते हैं, तो ये चीज़ का भी ध्यान देना है। और जो है कि इस मशीन का करंट जो है कि ऑनलाइन UPS जो होता है उसको लगा लेंगे आप अपने लैब में, तो मशीन का जो है कि कोई करंट में आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी, तो मशीन की आपकी मशीन जो है कि बढ़िया चलेगी, ठीक ना, कोई मतलब पार्ट जलने का चांस नहीं रहता है। ऑनलाइन UPS का ये मतलब होता है, ताकि बीच में जो करंट है दूरी नहीं रहती है, जिसे नहीं कम बेसी हो जाता है करंट, वैसे नहीं होगा, जैसे लाइट कट गई तो खटपट होता है, कम बेसी होता है, जो करंट होता है वो होने नहीं देगा। तो दोस्तों, यही सब प्रक्रिया है। और जो है कि आप अपने मशीन का अर्थिंग जरूर लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन UPS भी धोखा दे देता है, तो एक चीज़ की भरोसे आपको नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 साल का वारंटी रहती है, लेकिन आपका लैब हमेशा बढ़िया चलेगा और 10 साल 8 साल आपकी मशीन चलेगी एवरेज, ठीक ना। मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन ये सब करेंगे तो चल सकता है, ठीक ना। दोस्तों, एक चीज़ और बताते रहें, मिंद्रे की जो मशीन होती है तो मिंद्रे की मशीन के कोई गारंटी वारंटी नहीं है, कितनों मेंटेनेंस करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके सामान जैसे उसके मशीन के अंदर का जो पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट होते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं, जो ज़्यादा सैंपलिंग करते समय घिस जाते हैं और जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ समझ में आया है या कुछ जानकारी मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतजार जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद।